हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? एसएससी के एग्जाम कल से स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी मैं अलग से आपको एक क्लास ले रहा हूं, एक सीरीज चला रहा हूं 25 क्वेश्चन जीके के पर डे के। तो वो भी आप जो एसएससी के जो कैंडिडेट हैं, एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए वो क्लास बेनिफिशियल रहेगी। और इसमें हमारा जो कंटिन्यू राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान के संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक नृत्य, ये हम इस हमारी राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम हमारा एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति से। उस टॉपिक का नाम आप बोर्ड पे देख ही चुके होंगे, राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। यहाँ से हमारा एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस पार्ट से भी हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। और मैं आपको इस सीरीज के अंदर बताऊंगा, तो हाल ही के अंदर जो एग्जाम हुए उनके अंदर जो क्वेश्चन आए उनको भी मैं साथ में आपको नोटिफाई करते जाऊंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं। तो ये क्लास जो मैं अभी करवा रहा हूँ, ये राजस्थान के सभी भी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। तो चलिए, ज्यादा समय हम व्यर्थ नहीं करते हुए क्लास को कैरी ऑन करते हैं। तो आज हमारा उत्सव, त्योहार, मेले, इसके अंदर उत्सव गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव नाम से ही आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ये राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है गणगौर का उत्सव, जिसके अंदर शिव और पार्वती की आराधना महिलाओं और लड़कियों द्वारा की जाती है। तो चलिए हम इस उत्सव के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। और मैं जो बोर्ड पे लिखा हूँ वो हमारे एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसके बैकग्राउंड के अंदर जो इसकी अदर जानकारी है वो मैं आपको वर्बली मौखिक रूप से देते जाऊंगा। तो ये राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। ये गण मीन्स शिव और गौर मीन्स पार्वती या गौरी, इनको समर्पित ये उत्सव है। इसका जो प्रचलन है या इस उत्सव को जो मनाया जाता है राजस्थान के अंदर, ये चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक इस उत्सव को मनाया जाता है। और इस उत्सव के अंदर जो अविवाहित लड़कियां हैं वो उनके लिए एक अच्छा वर मिले, और जो विवाहित औरतें हैं वो अपने सुहाग की अखंड कामना के लिए लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। तो ये हो गया इसका मनाने के कारण। इसके बाद में इसकी विशेषता मैंने लिख रखी है, शिव और पार्वती की आराधना से रिलेटेड पर्व है या उत्सव है। इस दिन क्या किया जाता है, होली की राख, जो होली मनाई जाती है, तो होली का पहला या होलिका दहन के बाद में जो राख बचती है, उस राख के क्या किए जाते हैं, उसके पिंड बनाए जाते हैं, और उस पिंडों को जो के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। और इसके अंदर इस ये जो त्योहार है, ये जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा रियासतों के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज उदयपुर की गणगौर उत्सव है उसके अंदर देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे हमारा राजस्थान के एक प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक या बहुत ही प्रसिद्ध एक राइटर हुए थे कर्नल टोड। उन कर्नल टोड ने उदयपुर का जो गणगौर की सवारी है इसका बहुत ही रोचक वर्णन उनकी पुस्तक के अंदर किया है। और उन्होंने बताया है कि ये जब गणगौर की सवारी है वो राजमहल या राजप्रसाद से शुरू होकर पिछोला जेल तक जाती थी, और वहां पे नौका विहार और आतिशबाजी के साथ में इस त्योहार या इस सवारी का है जो समापन होता था। इसके अंदर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों और के लोग, औरतें, पुरुष, बच्चे सभी है जो शामिल होते थे, तथा नंगाड़े के साथ में इस सवारी का है जो आगाज होता था। एक मान्यता या एक एक मान्यता या पुरानी कहावत के आधार पे ये जो गणगौर का पर्व है, ये जो माता पार्वती है उनका गोना या फिर अपने ससुराल से अपने पिता के पास में आने के उपलक्ष्य में उनकी सखियों द्वारा उनके स्वागत के अंदर ये जो त्योहार है या ये पर्व है जो मनाया गया था, और उसी की परंपरा है जो अभी तक चली आ रही है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि लड़कियों या औरतों द्वारा काष्ठ और मिट्टी की गणगौर की प्रतिमा बनाई जाती है, जिनको तालाब या पोखर के ऊपर जाके मिट्टी की जो मूर्तियां होती है उनको उसके अंदर विसर्जित कर दिया जाता है, तथा काठ की जो मूर्तियां बनाई जाती है उनको वापस लेके आती है और उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो अभी मैंने जानकारी दी है ये हो गई हमारे गणगौर उत्सव की जानकारी।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह समझ में आया होगा और एग्जाम के अंदर आपका गणगौर उत्सव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप श्योर सही करके आएंगे, उसमें आपका गलत आंसर नहीं होगा। इसके अंदर हमारा जो बनने वाला क्वेश्चन है वो ये बनेंगे कि गणगौर का जो पर्व है वो कब से कब तक मनाया जाता है या कब इसकी शुरुआत कब होती है। तो ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। इसके अंदर किसकी ये किसको समर्पित है या इसके अंदर किसकी पूजा की जाती है, तो गण मीन्स शिव और गौर मीन्स पार्वती या गौरी माँ पार्वती माता, तो इनको ये समर्पित या इनकी आराधना के अंदर ये गणगौर का पर्व मनाया जाता है। इसके बाद में इसकी और विशेषता पूछा जाए, अगर ज्यादा से ज्यादा आपको पूछ लिया जाए कि होली के राग के पिंडों की पूजा कौन से पर्व या कौन से उत्सव के अंदर की जाती है, तो गणगौर के उत्सव, और ये राजस्थान के अंदर कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये जो चार रियासतें मैंने लिखी है जोधपुर जयपुर उदयपुर और कोटा, यहाँ पे ये त्योहार है वो बड़ा ही उत्सव ये उत्सव है जो बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कर्नल टोड ने उदयपुर की गणगौर सवारी का जो वर्णन किया है, तो इसके अंदर पूछ लिया जाए कि कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक के अंदर कौन से उत्सव की है जो विस्तृत या रोचक वर्णन किया है, तो गणगौर उत्सव का। तो यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो उत्सव या नेक्स्ट जो त्योहार है वो करेंगे तीज। तो नेक्स्ट हमारा उत्सव है तीज। तीज भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तीज का त्योहार गणगौर का त्योहार। ये दोनों त्योहारों का बहुत ही आपस में क्लोज रिलेशन है जो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान के अंदर एक कहावत प्रचलित है और जैसे मैंने मेरे पहले की भी क्लास के अंदर आप लोगों को बताया कि राजस्थान बहुत ही रंगीला और रंग बिरंगा राज्य है। यहाँ पे हर दिन अलग अलग उत्सव अलग अलग त्योहार अलग अलग मेले और रीति रिवाजों का आयोजन होता रहता है। तो उसी से रिलेटेड तीज त्योहार और गणगौर का उत्सव और तीज का त्योहार या उत्सव ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड है। तो इनके लिए एक कहावत है राजस्थान के अंदर, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। यानी कि तीज का जो त्योहार है ये श्रावण मास की तृतीया से शुक्ल पक्ष की तृतीया से स्टार्ट होता है और गणगौर का उत्सव है वहां पे राजस्थान के अंदर जो त्योहार उत्सव और मेले हैं इनका आयोजन समाप्त होता है। तो इसी से रिलेटेड ये राजस्थान के अंदर कहावत प्रचलित है कि जो तीज का त्योहार है वो राजस्थान के अंदर विभिन्न उत्सव और विभिन्न त्योहारों का आगाज करता है और गणगौर के साथ में ये त्योहार और जो उत्सव है ये समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए हम तीज का त्योहार के बारे में या उत्सव के बारे में हम जानकारी लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे हम उनकी तो जानकारी मैं बोर्ड पे लिख दिया और इसको आपको बताऊंगा और इसके पीछे की जो बैकग्राउंड की जो जानकारी होगी वो मैं वर्बली आपको बोल के बताऊंगा गणगौर त्योहार की तरह। तो ये जो तीज का त्योहार है वो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है और इसी दिन बालिकाएं और स्त्रियां इनके लिए ये जो त्योहार है इनके स्त्रियों के अंदर और बालिकाओं के अंदर ये जो त्योहार है बहुत ही मतलब प्रिय त्योहार है और इनके अंदर बहुत ही ये प्रचलित तो त्योहार है जो ये बड़ी धूमधाम से औरतें और स्त्रियां बालिकाएं इस त्योहार को मनाती है और ये स्त्रियों का प्रिय त्योहार है ये भी मैंने लिख दिया। इसकी जो विशेषताएं हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो एक तो ये कब मनाया जाता है और दूसरा हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसकी विशेषताओं से ही हमारे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। तो ये विवाह पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है इस त्योहार को। हमारे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि वो कौन सा त्योहार या वो कौन सा उत्सव है जिसके अंदर औरतों द्वारा पहली बार पीहर या अपने मायके के अंदर मनाने की परंपरा प्रचलित है। तो ये त्योहार है तीज का त्योहार। इसके अंदर एक कहावत प्रचलित है या एक मान्यता है कि सास और जब श्रावण मास होता है और नवविवाहित जो औरतें होती है या स्त्रियां होती है उनको पहली बार सास और बहू को एक साथ नहीं रखा जाता है और इसी कुछ अनहोनी की आशंका को दूर करने के लिए परिवार वाले जो बहू होती है या जो नवविवाहिता होती है उसको पीहर पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए ये एक मान्यता है जो मैंने आप लोगों को बता दिया लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा इसकी विशेषताएं, नवविवाहित जो नवविवाहिताएं होती है या वधुएं होती है वो पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है इस त्योहार के ऊपर और इसमें ऋतु व श्रृंगार संबंधी गीत आप राजस्थान में तीज से संबंधित जो गीत हैं प्रचलित हैं वो आप लोग जानते होंगे।
तो ये ऋतु से संबंधित, श्रावण मास से संबंधित और श्रृंगार से संबंधित जो गीत गाती हुई पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। इसके बाद में ये तालाबों के किनारे तीज के त्योहार पर या तीज के उत्सव पर तालाबों के किनारे मेलों का आयोजन होता है। इसके बाद में इस त्योहार के आसपास हमारे हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो तीज का त्योहार होता है इसके आसपास में खेतों के अंदर मोट बाजरा और फली यानी कि तिलहन तिलहन की जो फसलें हैं इनकी बुआई स्टार्ट हो जाती है। तो इसके कारण से भी ये तीज का त्योहार है काफी इम्पोर्टेंट और अपनी मान्यता रखता है। इसके बाद में हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनेंगे वो ये, तीज का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गुलाबी नगर जयपुर यहाँ का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जैसे उदयपुर के अंदर गणगौर की जैसे सवारी निकाली जाती थी जो राजप्रसाद से शुरू होकर पिचोला झील पे खत्म होती थी, उसी तरह से तीज का त्योहार है इसकी भी सवारी है जो जयपुर के अंदर निकाली जाती है। और ये जयपुर का तीज का त्योहार है काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे तीज की सवारी है, इसके अंदर सजे सजाए हाथी घोड़े ऊंट और वर्दी पहने हुए महावत महावत होते हैं हाथी को चलाने वाले घुड़सवार घोड़े को चलाने वाले। तो ये जो है ये तीज की सवारी के साथ साथ या तीज की जो प्रतिमा है इसके साथ के साथ ये चलते हैं इस सवारी के अंदर। तो ये हो गया तीज का त्योहार हमारा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने क्वेश्चन भी साथ के साथ बता दी कौन से इनमें से बनने के जो चांस है। दूसरा, आप एग्जाम के अंदर काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि तीज का त्योहार तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है और एक दूसरा तीज का त्योहार है जो ओनली फॉर राजस्थान के अंदर बूंदी जिले के अंदर मनाया जाता है, वो है कजली तीज। और अभी जो हाल ही के अंदर दो एग्जाम हुए हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर और आरएएस, इन दोनों में से एक पेपर के अंदर कजली तीज कब मनाया जाता है और कहां कब मनाया जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर आया है। आप पीछे के पेपर उठा के देखिए, इसमें हमारे को कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहां पे लिख देता हूं कजली तीज, ये ऊपर का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो दूसरा है हमारा कजली तीज, ये तीज और कजली तीज इन दोनों के अंदर डिफरेंस है तो हमें इस डिफरेंस को ध्यान रखना है और हमारे एग्जाम के अंदर हमारे को कंफ्यूज नहीं होना है। तो कजली जो तीज है ये राजस्थान के अंदर बूंदी जिले के अंदर मनाई जाती है, बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है बूंदी में। कहां मनाई जाती है? बूंदी के अंदर। और ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद महीने के अंदर मनाई जाती है, भाद्रपद तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद तृतीया को ये बूंदी के अंदर मनाई जाती है। और भाद्रपद तृतीया कृष्ण तृतीया को ये मनाया जाता है। कजली तीज का जो त्योहार है वो कृष्ण तृतीया को, वो शुक्ल पक्ष की तृतीया है और ये कृष्ण पक्ष की तृतीया है। इन दोनों का डिफरेंस यहीं पे ध्यान रखना है। वो राजस्थान के अंदर जयपुर की तीज प्रसिद्ध है और पूरे राजस्थान के अंदर मनाई जाती है, और कजली तीज का जो त्योहार है वो बूंदी के अंदर मनाया जाता है। ये तीज का त्योहार है वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, और ये है जो बूंदी के अंदर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और इसके अंदर भी एक जुलूस मनोरम जुलूस का आयोजन किया जाता है जो बूंदी के अंदर नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक जाता है। कहां तक जाता है? नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक। कहां तक जाता है? कुंभा स्टेडियम तक मनोरम जुलूस। निकाला जाता है मनोहरम जुलूस निकाला जाता है कजली तीज त्योहार के मौके पर, और ये बूंदी जिले के अंदर मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को, और इसके अंदर एक जुलूस निकाला जाता है जो काफी मनोरम या बहुत ही मन भावन होता है जो बूंदी के नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक जाता है। तो मैंने आपको गणगौर तीज और कजली तीज ये तीनों जो उत्सव है वो आज इस क्लास के अंदर समझा दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
आप अच्छी तरह से इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको गलत करके नहीं आएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। आगे भी एग्जाम के अंदर काफी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन इसमें से आए हैं, तो आप लोगों को यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको गलत करके नहीं आना है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ, और वीडियो के ऊपर या क्लासों के ऊपर आप लोगों के लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब बहुत ही कम आ रहे हैं, तो मुझे आपके लाइक इसलिए जरूरत है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, उससे मैं इसलिए आपको ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट लाके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जब स्टूडेंट क्लास के अंदर नहीं हो तो टीचर को पढ़ाने का मजा नहीं आता है। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं आपकी क्लास कंटिन्यू रखूं और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं और आपके एग्जाम के अंदर हेल्प कराऊं, उसमें कंटेंट से हेल्प हो या उसमें से आपके क्वेश्चन हो ज्यादा से ज्यादा सही हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें, और मुझे बताएं अगर कुछ कमी रह रही है तो मैं उसको सुधार करूंगा, और आपके अकॉर्डिंग जो भी क्लासों की जरूरत होगी वो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को खत्म करता हूँ, नेक्स्ट जो हमारे पर्व त्योहार जो बचे हैं वो मैं आगे के पार्ट में लेता रहूंगा। तो जय हिंद जय भारत।